रब राखा प्रियांकित। जी हाँ, ट्विटर पर अब यही ट्रेंड कर रहा है। आज दिन भर प्रियांकित ट्रेंड करते रहे, यानी प्रियंका और अंकित गुप्ता। देखिए, दोनों की जोड़ी को फैंस बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, और अब फैंस उनके अलग अलग पोस्ट डालकर, उनके अलग अलग पिक्चर्स और वीडियोस को ट्विटर पर डालकर रब राखा प्रियांकित को ट्रेंड करवा रहे हैं। देखिए, आज प्रियंका ने भी कुछ पिक्चर्स डाले अपने सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हुई नज़र आ रही थी। हालांकि अंकित और प्रियंका काफ़ी दिनों से मिले नहीं हैं, काफ़ी टाइम से प्रियंकित का जो रीयूनियन है वो नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद फैंस आज प्रियंकित को ट्रेंड करवा रहे हैं। आखिर क्या है वजह और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु सोनी, जर्नलिस्ट। हिमांशु सोनी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, प्रियंकित हमेशा से ही फैंस के फेवरेट रहे हैं। जब से उडारियां शो दोनों ने साथ में किया है, तभी से लेकर आज तक, यू नो, इवन आफ्टर बिग बॉस, बिग बॉस में जब दोनों साथ गए थे तो इवन बिग बॉस से पहले भी इनके चर्चे थे साथ में जाने के बिग बॉस में। और तब मुझे अच्छे से याद है, मेरे ट्विटर अकाउंट पर बहुत सारे फैंस थे प्रियंकित के, जो मतलब जो दिल से चाहते थे कि ये लोग बिग बॉस में आएँ, बिग बॉस में दोनों एक साथ आएँ। और ऐसा ही हुआ, मतलब डेली मैं देखता था फैंस डिमांड प्रियंकित इन बिग बॉस, फैंस डिमांड प्रियंकित। तो उसके बाद हुआ क्या, मेकर्स ने कॉन्टैक्ट किया प्रियंकित को और दोनों को साथ में लेकर आए बिग बॉस 16 में, यानी फैंस की बदौलत वो बिग बॉस 16 में भी साथ में नजर आए। अब फैंस जो हैं वो लगातार बीच बीच में ऐसे ट्रेंड करवाते ही हैं, जिससे कि यू नो एक बार जिससे कि पता चल सके कि हाउ मतलब हाउ मच लव दे डू टू प्रियंकित एंड हाउ मच लाइक यू नो कितना ज़्यादा वो प्यार करते हैं अपने प्रियंकित को, प्रियंका और अंकित को। बीच बीच में गिफ्ट्स और हैम्पर्स भी सेंड करते ही रहते हैं वो अक्सर दोनों को। दोनों की मुलाकात हुई थी काफ़ी दिन पहले एक अवार्ड फंक्शन में, जब साथ साथ दोनों ने एंट्री ली थी अवार्ड फंक्शन में बिग बॉस की ही तरह। और लेकिन उसके बाद प्रियंका हैं मुंबई में और अंकित गुप्ता हैं अब चंडीगढ़ में अपने सीरियल की शूटिंग के लिए। अब दोनों की मुलाकात काफ़ी टाइम से नहीं हुई है, लेकिन फैंस की बदौलत ने दोनों फिर से आ गए हैं एक साथ। जी हाँ, फैंस की बदौलत ही है कि दोनों एक साथ एक मंच पर फिर से साथ आ गए हैं, मतलब एक ट्रेंड में फिर से साथ आ गए हैं। यू नो, काफ़ी टाइम से मुलाकात तो चाहिए ही। देखिए, मैं खुद चाहता हूँ कि दोनों की मुलाकात अब जल्द से जल्द हो, और जल्द से जल्द दोनों अपने अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालें और यू नो मुलाकात करें जल्द से जल्द। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज़ जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार।